सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 50 मिनट पहले एक वीडियो को यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर में, जो कि एक शॉर्ट वीडियो है। एंड 50 मिनट में मेरे को व्यूज देख सकते हो 764 व्यू है, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर जो मैं आप लोग को ट्रिक देने वाला हूँ, अगर उस ट्रिक को आप लोग अपने हर एक वीडियो के अंदर यूज कर दो तो आप लोग कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट वीडियो होगा जो कि शॉर्ट फीड के अंदर चला जाएगा एंड उस पर व्यूज आप लोग काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं रिफ्रेश भी करूँ ना, तो रिफ्रेश करते के साथ में यहाँ पे देख सकते हो व्यूज कितना तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आप लोग शॉर्ट वीडियो वायरल करने का ट्रिक देने वाला हूँ, उस ट्रिक को मस्ट आप लोग यहाँ पे ट्राई करना, जिससे कि आप लोग का हर एक शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ट्रिक को बताने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूं कि मैंने क्या क्या करा हूं इस वीडियो के अंदर में, इस वीडियो को एडिट करने में मैंने क्या क्या करा है, जिसके कारण ये वाला जो वीडियो है ना वायरल चला गया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लो, इसका जो टाइटल मैंने लिखा, टाइटल किस टाइप से लिखा है, टाइटल मैंने छोटा ही लिखा, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो टाइटल है, बस टाइटल इतना ही है, ठीक है। एंड जो भी बाकी है ना, बाकी हैशटैग है, जिसके हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग फिटनेस, हैशटैग फिटनेस मोटिवेशन, तो कुछ इस टाइप से मैंने हैशटैग को लगाया, ठीक है। एंड अब आप लोग डिस्क्रिप्शन को देखकर ना आप लोग का पूरा दिमाग हिल जाएगा। मैं अभी डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, कुछ इस टाइप से मैंने डिस्क्रिप्शन को लिखा है, जिसके कारण है ना कि ये वाला जो मेरा वीडियो है वो वायरल चला गया। अब आप लोग सोचोगे कि ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है भाई, तुम लाए कहां से, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अगर टैग के अंदर दिखाऊं, तो टैग के अंदर मैंने बिल्कुल कुछ भी यहां पे नहीं लिखा हूं, आप लोग देख सकते हो। एंड यहां पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हूं, ठीक है। एंड आप लोग में से बहुत सारे भाई को अभी ये वाला जो ट्रिक है वो ट्रिक यहां पे समझ भी आ गया होगा, तो अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझ लो कि इतना सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन मैं लाता कहां से हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग करना क्या कि आप लोगों ने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को चीज सर्च कर लेनी है। देखो दोस्तों, ये सारी जो चीजें होती है ना, वो हर कोई यूट्यूबर नहीं बताता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का हर एक शॉर्ट वीडियो 100% वायरल हो जाएगा। तो अपने प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को चीज सर्च कर लेनी है, जिसका नाम है यू टूल्स, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से सर्च करके इसको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च कर दोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ इस टाइप का एक एप्लीकेशन शो करेगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप लोग ट्रिक को ध्यान से समझ लीजिए, तभी आप लोग शॉर्ट वीडियो 100% वायरल होगा। तो जैसे ही आप लोग ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, तो सिंपल से एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के साथ में आप लोग का कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से जो चौथा नंबर ऑप्शन मिलता है ना, कीवर्ड सजेशन का, सिंपल से यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टैप करोगे, हो सकता है कि आप लोग सब कोई यहाँ पे टैग शो करे, तो सिंपल से करना क्या कि इस टैग को ना सिंपल से यहाँ पे कट कर देना है। एंड कट करने के बाद अब आप लोग सामने मेन काम यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब सिंपल से करना क्या, यहाँ पे इंटर कीवर्ड हेयर पे टैप करना है। एंड यहाँ पे आप लोग जो भी आप लोग का वीडियो का टाइटल है, उस वीडियो को टाइटल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आप लोग सामने यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मोटिवेशनल, ठीक है। यहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर लिख देता हूँ। उसके साथ में आप लोग को अपना जो भी कंट्री है वो कंट्री सिलेक्ट कर देना है। अगर आप लोग इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान से देख रहे हो तो पाकिस्तान, अगर नेपाल से देख रहे हो तो नेपाल से कर देना है, ठीक है। इन दोनों चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से सर्च कर देना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च कर दोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले दिखाई देगा कि ये वाला जो कीवर्ड आप लोग सर्च कर रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम कैसा है एंड कंपटीशन इसमें कितना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एक बात का ध्यान दे दीजिए कि अगर जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है ना, उस कीवर्ड पे आप लोग का वीडियो 100% चलेगा। लेकिन इसका जो कंपटीशन है, कंपटीशन लो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो कंपटीशन यहाँ पे, कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो अब करना क्या है, यहाँ पे सिंपल से व्यू ऑल पे टैप करना है। एंड व्यू ऑल पे टैप करने के साथ में आप लोग को इतना सारा यहाँ पे शो करेगा, आप लोग देख सकते हो। तो सिंपल से करना क्या कि यहाँ पे आप लोग को कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसको सिंपल से सिलेक्ट करना है। एंड जैसे ही आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हो, एंड जितना भी आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हो सिंपल से इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को कॉपी सिलेक्टेड पे टैप करना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे टैप करोगे, तो उसके बाद आप लोग को करना क्या कि आप लोग को यहाँ पे अपना जो भी वीडियो है उस वीडियो के अंदर आकर के इन सारी चीज़ को ना यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल से सेव कर देना है, ठीक है। एंड अगर आप लोग को न्यू चैनल है ना, तो इसी के लिए मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि अभी चैनल क्रिएट कर रहे हैं एंड उनका जो शॉर्ट वीडियो है वो वायरल नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर आपका चैनल को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो अभी इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, लेकिन आप लोग को चैनल पर कुछ इस ट्रिक का कुछ खास फायदा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो न्यू चैनल है ना, उनसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा होगा। जिनका चैनल 2-3 महीने पुराना है, उनके चैनल पर ये वाला वर्क काम करेगा, ठीक है। ये वाला ट्रिक यहाँ पे काम करेगा। इतना काम करने के बाद आप लोग को सिंपल से यहाँ पे सेव कर देना है। उसके पहले एक बात और आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो को यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अपलोड करते हो वो सिंपल से अनलिस्टेड में सेव करना है, ठीक है। ये ट्रिक भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को डायरेक्टली पब्लिक करते हो या फिर प्राइवेट करके अपलोड करते हो, तो ये वाला ट्रिक साथ काम ना करे। तो अनलिस्टेड करके जो मैं इस वीडियो के अंदर ट्रिक बताया हूँ, उस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करके सिंपल से सेव कर देना है, ठीक है। एंड जैसे आप लोग यहाँ पे सेव कर दोगे, तो ये वाला जो वीडियो होगा आप लोग का 100% वायरल हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोग को ट्रिक दिया हूँ, उस ट्रिक को 100% यूज करना, आप लोग को 101% यहाँ पे फायदा मिलेगा ही मिलेगा।